गाइज, आप लोग भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और आप एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपका जो ये सबर है वो अब कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जो यहाँ पर जारी हो चुका है। अगर आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो फिर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पर अपना रोल कोड डालूंगा और रोल नंबर डालूंगा, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके मैं यहाँ पर सर्च रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना रिजल्ट देख भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी किसी का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है या फिर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्वर डाउन चल रहा है अभी, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सर्च कर देना है यहाँ पर बिहार बोर्ड रिजल्ट, ये लिख करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लिंक खुल करके आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं खुलता है तो आपको रिफ्रेश करते जाना है, इस तरह से 2-3 बार आप लिंक पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, तो जो है ये आपका जो सर्वर है वो एकाएक से खुल जाएगा एकाएक, और उसके बाद जो है आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से काम नहीं करता है तो फिर आपको मैं बताता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पे क्लिक करके ये वेबसाइट है, इस पे भी जा करके आप यहाँ से आपको रिजल्ट वाले पोर्टल पे चले जाना है। देन यहाँ पर सर्वर 2 पे क्लिक कर देना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिंक एक्टिवेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है रिजल्ट, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है BSEB, आपको लिख करके इस तरह से सर्च कर देना है, सबसे फर्स्ट लिंक दिखेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी खुल चुका है रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन, रोल कोड, रोल नंबर और यहाँ पर कैप्चर फिल करने का, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2-3 तरीका है जिससे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है या फिर नहीं शो हो रहा है या फिर सर्वर डाउन है तो फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।